नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज एक व्लॉग बनाएंगे। अब व्लॉग क्यों बना रहे हैं? बिकॉज आज हम कोई हेल्प वगैरह नहीं कर रहे हैं। आज जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी शादी फिक्स हो गई है दिसंबर में, तो डेट है दिसंबर 7 और वेन्यू होगा दिल्ली में। सो डिटेल में बातचीत करेंगे शादी की। एक्चुअली तैयारी में लगा हूँ मैं, बैंकेट हॉल के लिए परेशान हूँ, मिल ही नहीं रहे बिकॉज ऑलरेडी लोगों ने बहुत पहले से बुक कराए हुए हैं, तो थोड़ी सी मुसीबत आ रही है। फिर गेस्ट लोगों के लिए रूम वूम बड़ा मतलब झमेला है। फिर जो ज्वेलरी से हमारी पहाड़ी में जो पहाड़ी ज्वेलरी होती है, नथ वगैरह सब चीज़ों में लगाऊँ। अभी इस टाइम पे सेविंग भी करनी पड़ रही है, बाकी सब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो अभी इस टाइम भाग दौड़ में खूब लगे हुए हैं। हेल्प भी चल रही है और इसकी भी चल रही है तैयारियाँ, बिकॉज काफ़ी तैयारी करनी होती है ना शादी में, तो उसका ब्लॉग है। फिलहाल मैं करता हूँ टी शर्ट अपनी चेंज, क्योंकि अभी जस्ट मैंने खाना खाया है और दाल ने अपनी छाप छोड़ दी है टी शर्ट में। हम इसको उतारते हैं, बदलते हैं, फिर मिलते हैं। खराब नहीं हुई है, शगुन की हल्दी लगी है। था ये देख पीला, शगुन की हल्दी लग गई। हाँ ये देख, और क्या, जा रही हूँ ना अभी ऑल बुक करने के लिए। तैयार हो चुका है भाई, एकदम मैच कर रहा है कपड़ा, एकदम पिंक टी शर्ट, पिंक शूज, वेरी नाइस। ओह माय गॉड, शगुन हो ही गया है। शगुन हो गया, चलो जी चलते हैं। टी शर्ट चेंज, और हमारे एक मेहमान आ रहे हैं, हमारे नेताजी, वो भी साथ चलेंगे, तैयारी वारी करेंगे। मायापुरी, पीरागढ़ी, मयूर विहार, तीन चार जगह, रोहिणी वगैरह में बैंकेट हॉल देखने जाएंगे अभी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। चलें फिर जी, चलें, तैयारी करते हैं, ढूंढते हैं। काली टी शर्ट नहीं पहनी थी भैया, आज आपने काली टी शर्ट क्यों पहनी? काम के लिए जा रहा हूँ, शुभ काम। आज शुभ काम के लिए जा रहा हूँ तो काली टी शर्ट पहन ली। कंपनी का टी शर्ट पहन लिया, शुभ काम के लिए। व्हाइट पहन लेते, व्हाइट कलरफुल पहनते हैं, उसकी लाइफ कलरफुल होने वाली है। तुमने देख ग्रीन ग्रीन कर दिया मैंने, मेरे मैचिंग करा दी मैंने, मम्मी ने पिंक ऊपर, पिंक नीचे, मेरा पिंक एकदम ऊपर, ग्रीन, ओ मेरा सॉरी ग्रीन है, ओ माय गॉड, ग्रीन नीचे, वेरी नाइस, उनका भी मैचिंग है, लोअर नीला, जूता नीला, लेट्स गो। गाड़ी का जुगाड़ करना पड़ता है, एकदम उससे चिपक के खड़ी होती है, तो मुझे इस तरफ से घुसना पड़ता है, मुझे यहाँ से मैं घुसता हूँ, फिर इस तरफ से मैं उधर जाता हूँ, ओह माय गॉड, ओके उधर चिपका के लगाता हूँ। आओ आ जाओ जी। तो पहले हम जा रहे हैं बैंक, थोड़ा लोन मून का इन सब लोन वगैरह के रिगार्डिंग कुछ बातचीत वगैरह करना है, उससे पहले वहां जाएंगे, वो सब करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग चलेंगे बैंकेट हॉल, मिलते हैं। चलिए जी, पहुंच गए एक्सिस बैंक, काम डन, अब बैंकेट सर्च ऑपरेशन शुरू। सो ये मायापुरी एरिया है, ये लाइन से बैंकेट, ये पूरे यहाँ पे लाइन से बैंकेट है, सब में पता करते हैं। 9 तारीख की डेट निकली है तो 7 को पैक है, 7 को लाइन से ट्राई कर रहे हैं, सब फुल मिल रहा है भाई, फुल मिल रहा है। अब यार आप बैठे रहो, अब हम पता करते हैं इसमें। चलिए जी, सब सोल्ड आउट है, अब क्या मैं शादी नहीं कर पाऊंगा क्या? मजाक हो गया भाई, दिल्ली के सारे बैंकेट हॉल इस टाइम पे मिल ही नहीं रहा कुछ भी, लग रहा है मुझे रोड में टेंट लगाना पड़ेगा अब। राम राम जी, सब फुल है जी, कह रहे रोड पे शादी करेंगे, घर के नीचे टेंट लगाना पड़ेगा, वहीं चाय पकौड़ा करके शादी होती है। राम राम कर दो, चलिए आगे पता करते हैं। हाँ जी, क्या लगता है होगा नहीं होगा? ट्राई करो ना, बताओ होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल तो हो सकता है। चलिए जी, एक ऑलरेडी आए हुए हैं बुकिंग करवाने, वाह साहब गजब ही हो गए, तो मतलब ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं था कि ऐसा भी होता है कि मतलब 6-6 महीने पहले लोग बैंकेट बुक कर देते हैं पूरे। येप, एज एक्सपेक्टेड, यहाँ भी है फुल। No, no, no. ये किधर है बैंकेट हॉल? कासा रॉयल, इसमें देखते हैं। कह रहे हैं शादी की डेट चेंज करा लो, उस दिन दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा, बोल रहा आपको हॉल, वो सब बुक 1.5 साल पहले से।
साया है कह रहा शादी का पंडित जी से डेट चेक। एक बोल रहे हैं कि एक और है वो बहुत महंगा है हमारा ये, बट वो इतना महंगा कि लोग लेते नहीं है जल्दी, वहाँ पता कर लो वहाँ मिलता है तो वो जा रहे हैं, उसके बाद बाकी फिर देखते हैं आराम भरोसे। फाइनली 40 से 50 बैंकेट हॉल देखने के बाद एक हॉल मिला, वो भी बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन अब मजबूरी है तो क्या ही कर सकते हैं, तो फिर बुकिंग कर दी घर, मम्मी को बुलाया, फाइनली मिला। हाँ एंट्री है, बढ़िया है जी। ये तो है हल्दी मेहंदी के लिए, ये है पूरा, ये हल्दी के लिए है हॉल, हल्दी मेहंदी बड़ा हॉल है, और ये हॉल है शादी के लिए 7 तारीख के लिए, वो 6 तारीख के लिए था। हो गया जी फाइनली, 25% अमाउंट दे दिया गया है, बुकिंग सक्सेसफुल, फाइनल मिल गया आखिर कैसे भी। मिल गया हमको हॉल, मिल गया सगुन की हड्डी लगा के आई थी तो। जो एक पार्ट डन, अब दूसरी पार्ट के लिए बढ़ रहे हैं जो कि है बैंड बाजा बारात रथ वथ वो जो होता है घोड़ा घोड़ा वो सब जो करना है, बैंड बाजा बारात तब सुनता था, आज ये सब करना पड़ रहा है भाई, बैंड बाजा चलो ये सब करना पड़ेगा, अब क्या करें एक शादी कर रहे हैं तो ये भी सही है जी, सारा भार अपने कंधों पे, इन भारी कंधों पे अभी से शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई कहानी की। जिनसे शादी हो रही है वो लोग मुंबई में रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आएंगे तो करीब 40-50 जो गेस्ट हैं उनके ठहरने के लिए जैसे कोई फार्म हो या फिर कुछ होटल हो वो सब ढूंढ रहे हैं, तो बड़ी मारा मारी है हर चीज़ की, मारा मारी दिसंबर में, तो मतलब हॉल नहीं है, होटल नहीं है, बैंड नहीं है, वो सब चल रहा है कारवां ढूंढने का। शाम के 5:30 बज चुके हैं जी, एंड सब कुछ करा के हम आ चुके हैं, मतलब एडवांस सबका दे दिया लेकिन सारी चीजें बुक करा दी है। अंजी अब कैसा लग रहा है जी, अंजीर जो सर में दर्द हो रहा था थोड़ा सा कम सा फील हो रहा है, अभी कम कहा, अभी तो शुरुआत है, टेंशन तो हो रही है, शादी तो है तो करना तो पड़ेगा ना जी, थोड़ा सा बुकिंग हो गई है। अब एक चीज है जो सबके मन में सवाल होगा, लोग सोचेंगे ना ये शादी है तो मतलब ये बुकिंग का टेंशन आप क्यों इतना ले रहे हो। सिचुएशन अभी क्या है कि मेरी मैरिज हो रही है, ठीक है, जो हमारी होने वाली वाइफ हैं सरकार हैं वो भी उत्तराखंड से हैं बट वो मुंबई में रहते हैं, अब पूरी बारात को मुंबई लेके जा पाना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अभी क्या डिसाइड हुआ है कि वो लोगों की तरफ से आएंगे लोग एंड मुंबई यहीं दिल्ली में ही हम लोग शादी कर लेंगे, तो अब सिंस वो लोग मुंबई में रहते हैं तो इतना यहाँ का नहीं उनका पहचान है, तो सारी चीज़ें बुक करने की जिम्मेदारी हमने ले ली, सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे, आप लोग आओ और यहीं पे अपना शादी वादी हो जाएगी। सो, अभी बेसिकली क्या क्या हो गया है, तो अभी बैंकेट हम लोगों ने बुक कर लिया है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिला है, मतलब मैं कितने दिनों से घूम रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा था, और आज देखो मम्मी को लेके गए तो घूमे तो आज भी काफ़ी, लेकिन एंड में मिल गया, कहाँ मिला है कौन सा मिला है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो नहीं सस्पेंस क्या है, लेकिन मतलब भाई पता चला कि वहाँ पे जैसे लोग काफ़ी परेशान भी कर देते हैं ना हमको, कई बार पहुँच जाते हैं, कुछ अच्छे लोग तो हैं ही, कुछ थोड़ा समझे ना किस टाइप के लोग हैं, तो वो सस्पेंस है जो लोग जितने लोग हैं अब जो लोग आना चाहते हैं प्लीज़ मुझे आप बता देना कि हम लोग आना चाहते हैं, तो मैं गेस्ट लिस्ट अपना रेडी करूँगा ना, तो 7 दिसंबर की डेट है शादी की और 6 तारीख को अपना हल्दी मेहंदी है, तो प्लीज आप जरूर बताइएगा जो जो आना चाहता है इच्छुक है, आपका मोस्ट वेलकम है जी हमारे प्यारे प्यारे। जैसे अपनी शादी का समारोह है आपके संदीप का, तो जिसको भी आना है सब बता देना प्लीज, और आके एंजॉय करना, संदीप को अपने आके खूब सारा आशीर्वाद देना बस। सो, अपना बैंकेट हो गया, बैंड बाजा बारात हो गया, सब घोड़े घोड़े जो होता है वो सब हो चुका है, कैमरामैन फोटोग्राफी उनकी साइड का हमारी साइड का सब कुछ हो गया है, अब ये है थोड़ा यूट्यूब में व्लॉग मुझे बनाने पड़ेंगे ताकि इनकम का सोर्स आए, अब बची है ज्वेलरी, उसकी भी बातचीत चल रही है, टाइटन तनिष्क ये सब तो बड़ा बाप रे बहुत महंगा है, तो सोना इतना महंगा हो गया फिर नाक मक के अपने हीरे के लिए हीरा तो देना पड़ेगा ना हीरा है सदा के लिए चल रही है प्लानिंग। सो मेन चीज तो ये थी, सोना वोना तो मिल ही जाता है, वो तो मतलब मिल ही जाएगा, वो तो पैसे खर्च करो और पैसा दो तमाशा देखो वो वाली बात है यहाँ, लेकिन बैंकेट में थोड़ा सा वो साया है डेट का 7 दिसंबर को, तो वो मिलना मुश्किल है। 2024 तक की बुकिंग हो गई बताओ, मतलब बैंकेट वाले ने बताया कुछ लोगों ने 2024 तक का भी बुक कर रखा है बैंकेट, अब सोचो आप किस लेवल तक की शादियाँ फिक्स हैं,
कितनी कमाई है बैंकेट वालों की भाई। एक बैंकेट मैम आपने आने में बहुत देर कर, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब जो रह गया है, हम वैसे होटल में भी गए थे जो बैंकेट हॉल है उसके पास, बट वो लोग कह रहे हैं कि जैसे आज अभी तो जुलाई चल रहा है ना, ये तो उन्होंने बोला कि क्योंकि अभी जो रेट है होटल्स के वो उस टाइम पे नहीं होंगे, उन्होंने बोला कि वो रेट उस टाइम पे दबा के पैसे लेंगे, मतलब उनका कहने का मतलब ये है। उन्होंने कहा कि जब वो टाइम आएगा उससे एक डेढ़ महीने पहले हमको आप संपर्क करना, तो हम आपको उस टाइम के रेट बताएंगे और रूम बताएंगे। अभी उन्होंने बुकिंग होटल की नहीं हो पाई, जो लोग मुंबई से वो सारे लोग आएंगे हमारे, तो एक होटल का रह गया है, बाकी ज्वेलरी वगैरह रह गई है, तो चल रही तैयारी। अरे हाँ, मतलब ये तो ज्वेलरी छोड़ो, उसके मतलब शॉपिंग है, जैसे शेरवानी कपड़े अब ले रहे, लड़की के लहंगे वहंगे, वो काफी चीजें होती हैं। मतलब कोई बात नहीं, हो जाएगा। जो भी बता आना चाहते हो पहले बता देना प्लीज, और सबको मेरी तरफ से, मैंने पहले भी बोला था जब भी बाबू की मेरी शादी फिक्स होगी, मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को इन्विटेशन है मेरी साइड से। महीना बता दिया था, डेट भी बता दिया है, आपको बता दिया, दिसंबर 7 तारीख की है, 6 को हल्दी मेहंदी है, 7 की शादी है, उसी में रिसेप्शन है, मोस्ट वेलकम, जो आना चाहते हो बता देना पहले। 7 दिसंबर 7 बजे एकदम। सो अभी थोड़ा शाम के वक्त हम चने खा रहे हैं, भुने चने, बिकॉज शादी वगैरह आ रही है तो वेट लॉस का प्रोसेस भी करेंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हेल्पिंग वीडियो या ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, एंड शादी, मेरी शादी में जरूर आना है। तो बच्चे कहते हैं ना, मम्मी का सर दर्द है तो वो सर में वो लगा रखा है मम्मी ने, क्या बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे जैसे किसी का मामा है तो छोटी छोटी भांजी होती है ना, वो बोलते हैं मेरी मामा की शादी में जरूर जरूर आना। जैसे वो होते हैं भतीजी होती है, बोलती मेरी चाचू की शादी में जरूर जरूर आना। तो इस तरीके से मेरी शादी में जरूर आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।